आसुची लघुचाप आसंता 22 तारीख बेलू लघुचाप होवार संभावना दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर अंचल में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना थिबा सूचना देछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। प्रारंभिक स्तर में लघुचाप उत्तर पूर्व दिगरे गति करिवार संभावना रही केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल में आहुरी घनीभूत हो 24 तारीख बेलू अवपात में परिणत हो पारे। अन्यपटे एवं राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी रहा सहित किसी स्थान में काल बैशाखी वर्षा हो ए संपर्क में अधिक आलोचना करवा महेश पलावट वाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट रु जोड़ी होती। महेश जी आपको स्वागत कर रही हूँ। महेश जी हालांकि अभी टेम्परेचर थोड़ा कम है पर मौसम उड़ीसा में फिलहाल कैसा रहेगा? महेश जी सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी पहले मौसम गर्म हुआ था लेकिन अब काफी ज्यादा टेम्परेचर डाउन है और अब ऐसा लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। बारिश होगी जो 23 से लेकर 25 मई तक अच्छी बारिश की संभावना है कोस्टल एरियाज में, खोर्डा, जगत सिंहपुर, पुरी, भुवनेश्वर और केंद्रपाड़ा और पारादीप, ये सारा जो इलाका है यहाँ पर, और उससे मौसम अच्छा हो जाएगा और बोटिंग का टाइम भी है शायद 25 मई को, तो उस समय ज्यादा लोगों को परेशानी नहीं होगी। हाँ ये है कि बारिश थोड़ा कुछ इलाकों में तेज हो सकती है तो थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, हवा भी तेज चल सकती है, लेकिन अभी फिलहाल कोई ज्यादा ऐसा चिंता वाली बात नहीं है। लो प्रेशर एरिया या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है। जी महेश जी आप बोल रहे हैं कि लो मार्क प्रेशर एरिया अभी बन सकता है, उड़ीसा में अभी इलेक्शन भी चल रहा है निर्वाचन, तो बारिश के बारे में भी आप कुछ बोल रहे थे, तो 23 से 25 तक जो बारिश होने वाला है कहां कहां पे भारी बारिश होने वाला है ये बता सकते हैं? जी हाँ, जगत सिंहपुर हो गया है आपका, केंद्रपाड़ा, पुरी, भुवनेश्वर, खोर्डा, ये पारादीप, ये जो कोस्टल एरियाज है बेल्ट में, इसमें ज्यादा बारिश होगा और इंटीरियर पार्ट्स में जैसे कि आपका जो बारागढ़ है और गजपति, गंजम और बाकी जो भी इलाका संबलपुर वगैरह, इस इलाके में लाइट टू मॉडरेट रेन होगा और मौसम काफी अच्छा हो जाएगा, लेकिन कोस्टल एरियाज में थोड़ा सा जैसे तेज हवा चलेगी और बारिश ज्यादा भी हो सकती है कुछ इलाकों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पैनिक वाली बात भी नहीं है और जल भराव या कोई बाढ़ जैसी स्थिति भी नहीं आएगी, तो कुल मिलाकर के एक काफी दिन के लिए अगले मतलब जो मई के एंड तक के लिए मौसम ठंडा हो जाएगा और यही मतलब जो है अपडेट तो यही है। जी पैनिक वाली बात नहीं है, तो थोड़ा तनाव है कि बारिश हो सकता है। हाँ, बारिश अच्छी हो सकती है, हवा भी थोड़ा तेज चल सकती है। जी काल वैशाखी के बारे में कुछ प्रेडिक्शन आ रहे हैं? काल वैशाखी अभी क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटीज जब होती है तो हो जाता है इस समय, लेकिन 24 तारीख को हो सकता है कि कुछ इलाकों में काल वैशाखी जैसा माहौल हो जाए, लेकिन 25 तारीख होते होते थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और जो है मौसम अच्छा हो जाएगा। जी टेम्परेचर के बारे में अभी कुछ बोला जा सकता है कि अभी तो टेम्परेचर थोड़ा कम है पर 2-3 दिन के बाद टेम्परेचर कैसा रहेगा? अभी जैसे आज 19 तारीख है तो अगले 2 दिनों के दौरान टेम्परेचर में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है, थोड़ा सा वृद्धि हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्योंकि बादल वगैरह आना शुरू हो जाएंगे 22 तारीख से, तो 23 से जब बारिश शुरू हो जाएगी तो जो टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाएंगे और जो गर्मी है उससे काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। जी उसके बाद टेम्परेचर घटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आलोचना के लिए महेश पलावट वाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट, हमसे तो जुड़ी इतनी सभी से सूचना आलोचना पाई।